हाल ही में टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा ने गुपचुप शादी रचाकर फैंस को तगड़ा झटका दिया था और अब शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी का कंपैरिजन एक्स गर्लफ्रेंड मौनी रॉय और नारायणी शास्त्री से किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। जी हां, दरअसल हाल ही में एक लीडिंग डेली ने शादी के बाद गौरव चोपड़ा से बात की। बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान गौरव ने अपनी सीक्रेट मैरिज और पास्ट रिलेशनशिप से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। पहले तो जब गौरव से सीक्रेट शादी पर सवाल पूछा गया तो गौरव ने बताया, मैंने कभी अपने रिलेशनशिप को नहीं छुपाया। मैं दुनिया के सामने अपनी गर्लफ्रेंड्स का हाथ थामे चलता रहा, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हो गया है कि ऐसा करना कभी कभी उल्टा नुकसान पहुंचाता है। ये शादी सिर्फ मेरी फैमिली को डेडिकेटेड थी और मैंने हर वो रिचुअल फॉलो किया जो मुझे करने को कहा गया। बता दें कि जब आगे गौरव से उनकी पत्नी हितिशा के बारे में सवाल पूछा गया तो गौरव ने कहा, हितिशा इस इंडस्ट्री से नहीं है तो ऐसे में उनका कंपैरिजन किसी और से करना ठीक नहीं। मुझे लगता है कि हर रिलेशनशिप रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। मैंने अपने सभी रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट की है, लेकिन अब हम तीनों आगे बढ़ चुके हैं और हमारे बारे में आज जो लिखा जाता है वो बिल्कुल गलत है। वह हम आपको बता दें कि यहाँ गौरव का इशारा मौनी और नारायणी शास्त्री की तरफ था, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में रह चुके हैं। लेकिन अब नारायणी शास्त्री भी अपना घर बसा चुकी हैं और मौनी रॉय भी मोहित रैना के साथ कमिटेड हैं। वह अब गौरव की बात से आप कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।